नागिन तो इस ताबूत से तो बाहर आ गई, लेकिन मेरे केस चाल से कैसे बाहर आएगी? अब मैं तुझे यहीं उष्णा ताप से जलाकर राख कर दूँ। अब मैं तुम्हारी नाभि चीर कर अपनी नागमणि हासिल करूंगी। तुम तो बहुत आसानी से हार गई नागिन, अब मैं तुम्हें अपनी मणि कभी नहीं दूंगी। तो तुम नागिन बनकर इस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रही हो। कोशिश अच्छी है, लेकिन अफसोस कि तुम इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि तुम हार गई। इसलिए तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इस ताबूत में बंद रहोगी। ये यहाँ की परंपरा है। तुम्हें नमूना दिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे रोको ये सब। तो शैतान का नाम लो, बोलो शैतान का नाम लो। शिवाय शैतान का नाम लो। अरे रोको ही सब ना पहले। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहां से? हे भोलेनाथ, अब आप ही मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। पिछले जन्म में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, इस जन्म में मैं शिवाय को नहीं खो सकती। बहुत से सवाल बाकी हैं। उन पांचों गुनहगारों को सजा देनी है, दामिनी को सजा देनी है। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, रास्ता दिखाइए। ऐसे सभी के लिए निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। We'll be right back.
मेरे सर में इतनी चुभन क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये कैसी दुविधा है शिव शंभू? अब आपका शिवाय करे तो क्या करे? तुमने हमसे कहा था ना कि हम अपने फैमिली को बचाने के लिए मैजिक नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम हमारी फैमिली को ब्लास्ट कर दोगी, है ना? ठीक है, तो हम कम से कम अपने आप को मार तो सकते हैं ना? हम ही नहीं जानते कि मनी माया अंदर है या नहीं, लेकिन एक बात अच्छे से जानते कि उस मनी के लिए तुम बचपन से माया पीछे पड़ी हो, तो उसका मतलब वो मनी हो गया माया अंदर। और अगर हमने वो मनी तुम्हें दे दी तो धरती के लिए खतरा बन जाओगे तुम। तो हम ऐसा ना करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी? एक बात समझ लो डाकनी, हम अपने परिवार से बहुत लव करते हैं। मनी देने से अच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ साथ खुद को मार दे, ताकि वो मनी हमारे साथ चली जाए। नहीं रम्मा, शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे शिवाय के जीते जी वनात मरनी चाहिए। ये क्या काट रहा है मेरे बालों में? धन्यवाद भोलेनाथ, आपने बचा लिया। तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगर चाची जी के अंदर डाकनी है तो वो चूहे के आने से एकदम से ऐसे डरती नहीं। बेवकूफी मत करो और शैतान का नाम लो। अच्छा, तो तुम थी। आखिर तुम उस ताबूत से बाहर आ ही गई। तेरी इतनी मजाल कि तू इंद्रजाल की रानी को परेशान करे। चाची जी, अगर आपके अंदर डाकनी का साया होता ना तो ऐसे चूहे से डरते नहीं आप। तो फिर बताइए कहाँ ही नाटक कर रही थी आप डाकनी बनने का?
नागिन तो इस ताबूत से तो बाहर आ गई, लेकिन मेरे केस चाल से कैसे बाहर आएगी? ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे यही उष्णताप से जलाकर राख कर दूंगी। मेरे केशो, आदेश है तुम्हें, पकड़ो इस नागिन को। इसे मारने के चक्कर में मैं कहीं अपने ही बाल ना चला लूं। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी। शायद आप भूल गए कि चुड़ैल की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। नहीं। अरे डाकनी बनने का नाटक काहे कर रही थी, बताइए हमें। मैं जवाब तो काहे नाटक कर रही हो? असली डाकिनी मैं हूं। फिर से आ गई तो अम्मी झिलमिल, मुझे तो आना ही था। मेरी दो सबसे प्यारी चीज तुम्हारे पास जो है, एक तुम और एक तुम्हारे अंदर छुपी वो नाग मणि। मुझे वो मणि दे दो शिवाय। बताइए रानी, क्या मैं आपके सारे परीक्षाओं में सफल रही या अब भी कोई परीक्षा बाकी है? मैं तुम्हारे हिम्मत से संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी हूँ। तेरे छलावे को तुमने काट कर ये साबित कर दिया कि तुम संरक्षण मणि पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो।
मैं तुम्हें वो मणि जरूर दूंगी। संरक्षण मणि मैं तुम्हें सौंपती हूँ पार्वती, मुझे विश्वास है कि तुम इस मणि की सुरक्षा करोगी हमेशा। धन्यवाद। लेकिन याद रहे कि इस मणि के अपने दुष्प्रभाव है। मैं कुछ समझी नहीं। समय आने पर सब समझ जाओगी पारो। पर रा... दुष्प्रभाव जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, पर इस वक्त मुझे शिवाय को बचाना है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी हो जाए लेकिन वो मणि तुम्हें नहीं देंगे। बचपन से लेके आज तक सारी किताब हमारे हमारे परिवार के पीछे पड़ी हाथ धोकर, कोई कसर ना छोड़ी तुमने हमें नुकसान पहुंचाने में, भाई परिवार को नुकसान पहुंचाने में। बचपन से लेकर आज तक डरते आए तुमसे और बस डर डर के जीते रहे। लेकिन अब नहीं, बस अब बहुत हो गया। तुमने हमें हर कदम में तंग किया, माई जान खतरे में डाली और तुम बोल रहे कि नागमणि दे दे हम तुम्हें। गलत। सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है, तुमसे प्यार किया है, और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अंदर ये जो नागमणि बसी है, अगर इसकी शक्तियां हमें मिल जाए, हम दोनों एक हो जाए, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे शिवाय। ए बस बंद करो अपना ये ड्रामा बंद करो अपना, समझे? अरे मर जाएंगे लेकिन नागमणि तुम्हें नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। सच्चा प्यार? अगर हमसे किसी ने सच्चा प्यार किया ना तो वो सिर्फ पार्वती। हर बार हमें मौत के मुंह से बचा कर लेकर आई है वो। जब जब तुमने हमें किसी मुसीबत में डाला ना तो पार्वती न जाने कैसे पहुंच जाती वहां पर, हमें बचा कर ले जाती। वो है हमारा असली और सच्चा प्यार, समझी? जाने कब से हमें महसूस हो रहा था कि पार्वती और हमारे बीच में कुछ तो कनेक्शन है। हर बार उसकी तरफ खींचे चले जाते थे हम, और यहां तक कि हमारी शादी से पहले भी न जाने की उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे हम। वो है हमारा असली और सच्चा प्यार, समझी? धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे ये संरक्षण मणि दिलवा दी। इस मणि की मदद से मैं शिवाय के अंदर के नागमणि को सुप्त स्थिति में डलवा सकती हूँ और उस दामिनी से शिवाय की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ शिवाय। पार्वती, थक गई हूँ मैं पार्वती के नाम के गुणगान सुन सुन के। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन तुम
बहुत हो गया शिवाय, अब वो नागमणि मुझे दे दो। शैतान का नाम लो और नागमणि मुझे सौंपो। शिवाय नागपुरुष, दामिनी शिवाय की नाभि चीर कर नागमणि ले गई है। उसने तुम्हारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है। कभी नहीं। शिवाय के जुबान पे सिर्फ एक ही का नाम होता है, वो है भोलेनाथ का। हम मर भी जाए तब भी तुम्हारे शैतान का गुणगान नहीं गाएंगे, समझी? अगर तुम्हारी यही जिद है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दामिनी शिवाय की नाभि चीर कर नागमणि ले गई है। उसने तुम्हारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है। अब मैं तुम्हारी नाभि चीर कर अपनी नागमणि हासिल करूंगी। नागमणि खतरे में, बुलबुल अभी हमें जाना होगा, लेकिन हमने आपकी माँ को वचन दिया था कि हम आपका ख्याल रखेंगे। कोई बात नहीं, नागमणि की रक्षा जरूरी है। जाइए, आपके आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, प्रॉमिस। शिवाय, नागपुरुष, दामिनी शिवाय की नाभि चीर कर नागमणि ले गई है। उसने तुम्हारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है। शिवाय, नागपुरुष, दामिनी शिवाय की नाभि चीर कर नागमणि ले गई है। उसने तुम्हारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है।